डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 एक सीमिंगली बेसिक सब बिल आज काफी कंट्रोवर्शियल बन चुका है। इस बिल के जरिए बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा है कि अब से कोई भी इंसान या कंपनी बिना आपके कंसेंट के आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट, स्टोर या फिर प्रोसेस नहीं कर सकती। Except there is a catch over here. Interestingly, इस बिल में ना सरकार ने अपने आप को कुछ exemptions दिए, जिसे कई सारे लोग tensed हैं. You know, kind of ये सोचकर कि government को छूट क्यों मिलनी चाहिए data को लेकर, और बस यही बन गई है सारे controversies की जड़। Opposition का कहना है कि इससे लोगों का right to privacy compromise होगा। It's a bill which requires serious reconsideration by a joint parliamentary committee for the simple reason that it is in complete contradiction to the fundamental right of privacy upheld by the Supreme Court in the Puthuswamy judgment. And kuch organizations ka to ye kehna hai ki ye government ko bina koi reason diye content ko censor karne ka hak de dega. और वहीं पर कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकार के एग्जेम्पशंस की वजह से सिटीजंस का राइट टू इंफॉर्मेशन खतरे में आ सकता है। लेकिन यू नो व्हाट फ्रेंड्स, व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि देश के अनगिनत टेक सीईओस और फाउंडर्स, जो बाय द वे अपने बिजनेस स्ट्रेटजीज अपने कस्टमर्स के डेटा के बेसिस पर प्लान करते हैं एंड जो खुद इस बिल से डायरेक्टली इफेक्ट होने वाले हैं, वो खुद इस बिल को ओपनली वेलकम कर रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि ये बिल सही है और ये लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखने में बहुत मदद करेगा। डिजिटल कंज्यूमर्स के राइट टू डेटा प्रोटेक्शन को एक फंडामेंटल राइट बनाएगा और हमारे देश की डिजिटल इकोनॉमी में एक सेंस ऑफ ट्रस्ट, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी भी लाएगा। सो अब फ्रेंड्स, हमारे पास दो पर्सपेक्टिव्स हैं, एक फॉर और एक अगेंस्ट, और दोनों भी पर्सपेक्टिव्स इंपॉर्टेंट एंटिटीज है जो हमारे डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करेंगे। सो एग्जैक्टली क्या है ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका आपके और मेरे जैसे एक आम इंसान के जिंदगी में प्रैक्टिकली क्या फर्क पड़ने वाला है? Well friends, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। और इस बिल के बारे में एक पूरा रैशनल ओवरव्यू निकालने के लिए हमें इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस विषय से कि इस बिल से हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखो, ये बिल ना वैसे तो टोटल 33 पेजेस का है थ्रू आउट, सो ऑब्वियसली बस एक लाइन में इस पूरे बिल को समराइज करना पॉसिबल नहीं होगा, और इसीलिए इसे अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 से 6 सिंपल प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों में बाइफर्केट करके स्टडी करेंगे, ताकि एक आम इंसान को भी एक अच्छा खासा समझ हासिल हो सके। बाकी पूरा बिल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसे हमने रेफर किया है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा, ताकि अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसे भी रीड कर सकते हो। सो पहला प्रिंसिपल इस बिल का है लीगैलिटी। देखो, अब तक क्या होता था ना, लेट्स से आप किसी बैंक में उनके ऐप के थ्रू अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली वो बैंक अपने नो योर कस्टमर KYC प्रोसेस के लिए आपको लाइव वीडियो कॉल करके आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो पर्सनली वेरीफाई करेगी। सो अब ये बिल आने के बाद भी ऐसा ही होगा, लेकिन इस डिजिटल वेरिफिकेशन से पहले उस बैंक को ऑफिशियली ईमेल या इन ऐप नोटिफिकेशन के जरिए आपको डिटेल में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो ये KYC क्यों कर रहे हैं, इससे वो आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर और प्रोसेस करेंगे और उसके पीछे का पर्पस क्या है, और इस पर बकायदा उन्हें ऑफिशियली आपका कंसेंट लेना पड़ेगा और तभी जाके उन्हें हक मिलेगा आपके डेटा को प्रोसेस करने का। बिसाइड्स, ये तो हमने यहां पर बस सिर्फ बैंक का एग्जाम्पल दिया है, पर ये कानून एक्चुअली में उन सभी प्राइवेट, पब्लिक और इंडिविजुअल एंटिटीज पर भी अप्लाई होगा जो आपसे कोई भी पर्सनल डेटा डिजिटली कलेक्ट, स्टोर या प्रोसेस करते हैं। लाइक इवन सिंपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी कभी ना कभी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक्सेस मांगते ही है, जिसकी ईमेल आईडी, फोन नंबर या आपके कॉन्टैक्ट्स और गैलरी में पड़े फोटोज का। लेकिन अब से उन्हें भी आपका कंसेंट लेना जरूरी है, ये नोटिफाई करते हुए कि वो ये इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं और उसके साथ वो आगे क्या करने वाले। नाउ सेकंड प्रिंसिपल ऑफ दिस बिल, लिमिटेशन और मिनिमाइजेशन। सो इसके अंतर्गत अब क्या होगा कि लेट्स से आपको कुछ मेडिसिन की जरूरत और आप एक ऑनलाइन टेलीमेडिसिन ऐप पर रजिस्टर करते हो, तो ऐसे में यूजुअली ये होता है कि वो टेलीमेडिसिन ऐप आपको वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपके पर्सनल डिटेल्स मांगता है, एंड प्लस आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस बहाने से वो आपके फोन कॉन्टैक्ट की लिस्ट का भी एक्सेस मांग लेता है। And now, इस सिचुएशन में नॉर्मली ज्यादातर लोग इसे जेन्युइन मानकर ये एक्सेस उन्हें दे देते हैं, पर अब इस बिल के आने के बाद ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि मेडिसिन पहुंचाने की सर्विस के लिए पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस देना जरूरी नहीं है। तो अब उस ऐप को खुद ही आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस लिमिट करना होगा, बिकॉज ऐसे अननेसेसरी एक्सेस से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है। एंड अगर आप इंडिया की हिस्ट्री भी देखोगे ना फ्रेंड्स, तो ये सिक्योरिटी थ्रेट्स एक्चुअली में हमारे देश में काफी कॉमन हुआ करते थे। बट डिड यू नो फ्रेंड्स, अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने तो इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद करीब 50 सालों तक इंडिया के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पर नजर रखी थी। और हिस्ट्री तो छोड़ो, अगर प्रेजेंट में आए तो चाइना का तो आपको पता ही है किस तरह से उनके सभी मेजर एप्स हमारे इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए एस्पियोनाज का एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन अब तक ना फ्रेंड्स, दिक्कत इस बात की थी कि इंडिया इन इश्यूज पर ब्लेटेंटली एक्ट ही नहीं कर पाता था, मे बी बिकॉज ऑफ ट्राइंग टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस विद दीज नेशंस। बट अब इंडिया हैज बैन 250 प्लस चाइनीज एप्स, जो आपको पता ही है, और गूगल पर 1300 करोड़ का फाइन तक इम्पोज किया था जस्ट टू अपहोल्ड इंडिया नेशनल इंटरेस्ट। सो बस अब जरा सोचो, पास्ट का इंडिया कभी भी इन ग्लोबल सुपर पावर्स के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो पाता था। सो डेफिनेटली मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड। सबसे बड़ी बात है इंडिया का माइंडसेट, इंडिया के पॉलिसीज, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया की टेक्नोलॉजी और इंडिया की इकोनॉमी, इन फील्ड्स में मेजर बदलाव आए हैं। लेकिन एज अ फैक्ट ऑफ मैटर मोस्ट ऑफ दी भारतीयों को नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो न्यूज चैनल से ये इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं और हर न्यूज चैनल अपना प्रोपोगेंडा चलाते हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उसे ही सारा क्रेडिट देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर अगर आपको इंडिया का ट्रू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जानना है तो आई वुड रिकमेंड आप अ कंसाइस हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इस किताब की ऑडियो बुक को ऑडिबल ऐप पर सुनो। इनफैक्ट ऑडिबल ऐप पर इंडिया की हिस्ट्री को डिटेल में अनबायस तरीके से एक्सप्लेन करने वाले कई सारे ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, जैसे एन एरा ऑफ डार्कनेस, द मैन हु सेव्ड इंडिया एंड द नंदा देवी मिस्ट्री, जो कि एक काफी अननोन स्टोरी बताता है कि कैसे इंडिया और अमेरिका का चाइना के अगेंस्ट एक जॉइंट न्यूक्लियर सर्वेलेंस मिशन फेल हो गया था। ऐसे स्टोरी सुनने के लिए आपको बस ऑडिबल पर रजिस्टर करना है। एंड बस फिर, अनलाइक अ फिजिकल बुक, आप हजारों ऑडियो बुक्स को ऑन द गो, जिम में, ट्रैवलिंग करते वक्त, कहीं भी सुन के अनलिमिटेड नॉलेज गेन कर सकते हो। मैं पर्सनली ऑडिबल यूज करता हूँ, मुझे इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। और इस बार ऑडिबल लाया आपके लिए कमाल की ऑफरिंग। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करते ही आपको 2 मंथ्स के लिए फ्री ऑडिबल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यानी कि अपने मन पसंद की किताब का ऑडियो बुक आप फ्री में सुन सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर फ्रेंड्स, गो एंड गेट अनलिमिटेड नॉलेज ऑन ऑडिबल, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अब लौट आते हैं वापस से हमारे वीडियो पर। अब इस डेटा प्रोटेक्शन बिल का तीसरा प्रिंसिपल है एक्यूरेसी। लेट्स से आपके पास एक कार है जिसे आप बेचना चाहते हो और उसके लिए आपने कार रीसेल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया विद फुल कंसेंट। अब ऐसे में अगर आपकी कार बिक गई और आपने उस प्लेटफॉर्म से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज करने का कंसेंट वापस ले लिया, तो पहले ऐसा होता था कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स अपने डेटाबेस से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं करते थे और ना ही ये अपडेट करते थे कि कार बिक चुकी है, यानी कि कार बिकने के बाद भी अननेसेसरी बायर्स के कॉल्स आपको आते रहते थे। और अब से ऐसा नहीं होगा। अब ये उस प्लेटफॉर्म के लिए कंप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो सबसे पहले तो अपने डेटाबेस में मौजूद इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेटली अपडेट करे कि कार बिक चुकी है। और अगर आपने उस प्लेटफॉर्म से कंसेंट ही वापस ले लिया है तो अनलेस एक्सट्रीमली एसेंशियल, उन्हें अपने डेटाबेस से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इरेज करना ही पड़ेगा। फोर्थ प्रिंसिपल, रीजनेबल सेफगार्ड। लेट्स से यही सेम कार रीसेल प्लेटफॉर्म वाली चीज एक बैंक के केस में हुई कि आपने किसी बैंक में मौजूद अपना सेविंग्स अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। अब इन दिस केस ऐसा नहीं होगा कि जस्ट बिकॉज आपने अपना अकाउंट बंद करवा लिया है एंड देयरफॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेंटेन करने का अपना कंसेंट भी वापस ले लिया है, तो अब उस बैंक को तुरंत आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना पड़ेगा। क्योंकि इस केस में बायलॉज के हिसाब से बैंक्स को अपने कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट 10 सालों तक मेंटेन करनी पड़ती है आफ्टर द अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड। एंड दिस इज बिकॉज कल को कोई इंसान फ्रॉड अगर कर दे तो कंसर्न अथॉरिटीज द्वारा इन्वेस्टिगेशन होने पर वो बैंक्स उस कल्प्रेट को पकड़वाने में मदद कर सकते हैं। एनीवे, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ प्रिंसिपल व्हिच इज अकाउंटेबिलिटी। इसे समझने के लिए एग्जांपल के तौर पर एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को लेते हैं जिसने आपसे आपके कॉलिंग से जुड़े पर्सनल डेटा को यूज करने का कंसेंट लिया है ताकि वो आपका टेलीफोन बिल आपको मंथली ईमेल पर भेज सके। और इसी के साथ लेट्स से कि उस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ने अपना यही कस्टमर्स को बिल ईमेल करने का काम एक डेटा प्रोसेस करने वाली कंपनी को दे रखा है जिसने डायरेक्टली आपसे कोई कंसेंट नहीं लिया है। तो ये वैसे तो लीगल है प्रोवाइडेड इन दोनों ही एंटिटीज ने आपस में एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो। लेकिन कल को अगर आप उस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करते हो और अपना बिल आपको एक्सक्लूसिवली सिर्फ उस ऐप के थ्रू ही चाहिए ऐसा ऑप्ट करते हो, तो फिर इस नए लॉ के आने के बाद उस टेलीकॉम प्रोवाइडर और उससे जुड़े डेटा प्रोसेसर इन दोनों ही एंटिटीज को आपके ईमेल बिलिंग से जुड़ा पर्सनल डेटा प्रोसेस करना इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा।
क्योंकि आपके पर्सनल ईमेल की अब कोई जरूरत नहीं होगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया एंड लेट्स से कल को उनके किसी एम्प्लॉयर ने अपने पर्सनल गेन्स के लिए वो डेटा किसी तीसरे एंटिटी को बेच दिया या मिसयूज किया, तो इस पूरे फसाड की स्टार्टिंग पॉइंट यानी उस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि उसने किसी सेकंड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो या किसी गलत इंसान को काम पे रखा हो, ये पूरी तरीके से उसी की ही जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। आपने अपना कंसेंट तो सिर्फ उस टेलीकॉम कंपनी को दिया था एंड इन पर्टिकुलर उसके पार्टनर्स या एम्प्लॉयज को नहीं। यानी कि यहाँ पर अगर आप कंप्लेन करते हो तो वो बिल्कुल वैलिड माना जाएगा एंड इफ फाउंड गिल्टी उस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पर स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल का उल्लंघन करने के लिए बिल में क्लियरली मेंशन है कि 250 करोड़ रुपीस तक की पेनल्टी लग सकती है। एंड नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज पर ध्यान देना जरूरी है कि मैंने पर्पसली कहा अगर आप कंप्लेन करते हो तो, बिकॉज इस लॉ के आने के बाद ऐसा नहीं होगा कि सरकार हर कंपनी हर इंसान पर नजर रखेगी कि कोई किससे कितना डेटा मांग रहा है और उसके लिए उसने कंसेंट लिया कि नहीं। एंड आई थिंक आप खुद भी समझ सकते हो कि जितना बड़ा हमारा देश है, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू डू दैट। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ प्रिंसिपल जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखो, सपोज अगर कोई आपका डेटा मिसयूज करता है तो एक ऑब्वियस सवाल उठता है कि आप कहां पर जाकर अपील करोगे, राइट? तो इसके लिए तीन लेवल्स हैं। नंबर 1, डेटा से डील करने वाली हर एक मेजर कंपनी को अपने अंदर भी एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाने को बोला गया है, जिन्हें आप कॉन्टैक्ट करके अपने डिस्प्यूट आपस में ही रिजोल्व करवा सकते। नंबर 2, फिर इस लॉ के अंतर्गत एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड भी बनाया जाएगा बाय द नेम ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें आईटी, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इन सब से जुड़े एक्सपर्ट्स होंगे। और अगर आपका डिस्प्यूट कंपनी के लेवल पर रिजॉल्व नहीं हुआ तो आपको बेसिकली इस बोर्ड के सामने डायरेक्टली अपनी कंप्लेन को प्लेस करना पड़ेगा। नंबर 3, देन इस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ने सपोज कोई फैसला सुनाया जिससे कोई पार्टी एग्री नहीं करती, तो वो फिर एक अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपना केस लेकर जा सकते हैं, जो एक तरह का सिविल कोर्ट होगा, और इस ट्रिब्यूनल को कंपल्सरीली 6 मंथ्स के अंदर वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना ही होगा। जो भी कंपनी गिल्टी पाई जाएगी, अगेन बिल में क्लियरली मेंशन है कि उन्हें 10,000 से लेकर 250 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस। सो अब तक फ्रेंड्स, आपको बिल को लेकर एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिल गया। सो ऑल इन ऑल ये पूरा बिल सिटीजन फ्रेंडली तो लग रहा है, लेकिन ये तो हमने अभी तक सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव सुना है। डोंट मेक योर जजमेंट बिफोर यू हियर द काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, द क्रिटिसिजम्स एज वेल। सो ऑपोजिशन के ना इस बिल पर कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिजम्स हैं। उनका पहला मेजर क्रिटिसिज्म है सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा। उनके अनुसार इस बिल में सरकार ने सबको डेटा कलेक्ट और प्रोसेस करने पर रोक लगा दी है, जबकि अपने आप को इसके दायरे से बाहर रखा है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी आपका डेटा कलेक्ट और उसे यूज कर सकती है, बट दूसरे नहीं कर सकते। सो इससे सेंटर के पास तो लोगों का डेटा होगा जिससे वो उस डेटा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में यूज कर सकते हैं। सो इससे इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट इज एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल द डेटा, एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड। इट्स अ कंप्लीट इंसल्ट एंड हर्टिंग द स्पिरिट ऑफ द फेडरल और साथ ही उनका कहना यह भी है कि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों पर सर्वेलेंस रखेगी, जो कि एज पर पुट्टस्वामी जजमेंट हमारे फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का वायोलेशन है। फॉर दोस हु डोंट नो, ये पुट्टस्वामी जजमेंट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास्ड एक लैंडमार्क जजमेंट था, जिसने साल 2017 में ये क्लियर किया था कि राइट टू प्राइवेसी अब एक सिटीजन की फंडामेंटल राइट है और वो उसे स्टेट या नॉन स्टेट एंटिटीज दोनों के खिलाफ एक्सरसाइज कर सकता है। अब इस एलिगेशन पर गवर्नमेंट के तरफ से काउंटर ये है कि हमने ये बिल लाया है इसीलिए ही कि इससे लोगों की प्राइवेसी बढ़े और उनके डेटा का कंट्रोल उनके हाथ में हो। ऊपर से यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा कि इस बिल को बनाते वक्त जस्टिस पुट्टस्वामी के जजमेंट को ध्यान में रखकर ही इसे बनाया गया। एंड व्हाट ही मेंट वाज, ये जजमेंट राइट टू प्राइवेसी को तो एंश्योर करता ही है इवन अगेंस्ट गवर्नमेंट, पर एट द सेम टाइम इट इज क्लियरली स्टेटेड कि राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकारों को अपने पॉलिसीज इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए सिटीजंस को स्टडी करना जरूरी होता है। एंड सो अगर उनके डेटा कलेक्शन के पीछे एक लेजिटिमेट एम है, प्लस उनका तरीका सही है, प्लस प्रोपोर्शनेट है और वो लीगल है, तो उनका डेटा कलेक्शन सही माना जाता है। अब फ्रेंड्स, दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स आपके पास है, आपको क्या लगता है कौन सही बोल रहा है और कौन गलत, आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। अब आगे बढ़ते हुए लेट्स लुक एट गवर्नमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट व्हेन इट कम्स टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में स्टेट इस वर्ड का डेफिनेशन दिया हुआ है एंड उसके अनुसार स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज एंड अथॉरिटीज एंड कंपनीज सेट अप बाय गवर्नमेंट, ये सब आते हैं। और जिन भी सेक्शंस में गवर्नमेंट को छूट दी गई है वहां पर स्टेट ये वर्ड लिखा हुआ है।
तो इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कैसे हुआ? अब यहां पर बात करते हैं ऑपोजिशन के दूसरे बड़े क्रिटिसिज्म की, कि रूलिंग गवर्नमेंट ने इस बिल को एक एक्सपर्ट से भरी हुई स्टैंडिंग कमिटी के पास नहीं भेजा। आई वांट दिस बिल टू बी अगेंस्ट सेंट टू दी स्टैंडिंग कमिटी। और कई मेजर डिस्कशंस ना हो इसीलिए इसे एक मनी बिल के तौर पर इंट्रोड्यूस किया, जिस पर यूजुअली डिस्कशन नहीं होता है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, मनी बिल बेसिकली टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर और ऐसे सिमिलर इश्यूज से जुड़ा हुआ होता है, जो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और एक बार वहां वो डिस्कशन के थ्रू पास हो गया तो राज्यसभा उसे वहां पर रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती, वो सीधा प्रेसिडेंट की फाइनल साइन के साथ पास हो जाता है। अब इस एलिगेशन पर गवर्नमेंट का रिप्लाई ये था, उन्होंने इस पर ये कहा कि उन्होंने सबसे पहले तो इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी में पास किया और फिर उसके बाद उन्होंने 48 एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, 39 मिनिस्ट्रीज और यूसीसी के कानून की तरह एक्सटेंसिव पब्लिक कंसल्टेशन के बाद यह बिल लाया है। प्लस यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ऑपोजिशन का यह भी डाउट क्लियर किया कि यह बिल एक मनी बिल के तौर पर नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी या जनरल बिल के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और उस पर डिस्कशन करने के लिए वो रेडी है। जो प्रश्न उठाया कि क्या ये फाइनेंस बिल है, क्या ये मनी बिल है या जनरल बिल है, मैं स्पष्ट तरीके से सदन के सामने आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि ये एक जनरल बिल है, ये मनी बिल नहीं है। अगेन सम कॉन्टेक्स्ट फॉर यू ऑल, एक ऑर्डिनरी बिल फाइनेंस छोड़कर बाकी किसी भी इशू के लिए लाया जा सकता है और उसे किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मगर उसे दोनों हाउसेस में डिस्कस और पास किया जाना जरूरी होता है, तभी जाके वो प्रेसिडेंट की फाइनल साइन के साथ पास हो सकता है। खैर, इसके बाद बढ़ते हैं ऑपोजिशन के तीसरे बड़े क्रिटिसिज्म की ओर, कि इस बिल के आने के बाद हम आम लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन की पावर डाइल्यूट हो जाएगी। सेकंड, इवन राइट टू इंफॉर्मेशन इज डाइल्यूटेड, इट राइट मनीष जी सेड, बिकॉज़ एज आई सेड अर्लियर, उन्हें लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप को इस बिल में छूट दे रखी है। So, अगर कोई उनके खिलाफ RTI फाइल करके उन्हें कुछ सवाल पूछता है तो वो आंसरेबल नहीं होंगे। बट इस एलिगेशन पर गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली अपना स्टेटमेंट दिया कि इस बिल में सरकार भी इंक्लूडेड है, यानी कि कल को गवर्नमेंट के तरफ से कुछ डेटा का अगर प्रॉब्लम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली कोविन पोर्टल का डेटा टेलीग्राम पर लीक हुआ, तो आप सेंटर हो या स्टेट दोनों सरकार को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। एक्सेप्ट चार ऐसे सिचुएशंस है जहां पर सरकार को एग्जेम्पशंस मिल सकते हैं। नंबर वन, नेशनल सिक्योरिटी, कि सपोज कोई टेररिज्म में इन्वॉल्व है तो उसका डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट और स्टोर कर सकती है। नंबर टू, लॉ एंड ऑर्डर, कि कहीं अगर रायट्स वगैरह हो गए तो कहीं वो प्री प्लान थे कि नहीं, ये सब स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट वहां पर डेटा कलेक्ट कर सकती है। नंबर थ्री, नेचुरल डिजास्टर, कि सपोज कोई अर्थक्वेक आया और एक बिल्डिंग ढह गई तो उसमें कितने लोग फंसे हो सकते हैं, इसका राशन कार्ड एटसेट्रा जैसे डेटा की मदद से एस्टिमेशन लगाया जाएगा। एंड नंबर फोर, रिसर्च, आर्काइविंग और स्टेटिस्टिकल पर्पसेस के लिए, अपने देश के सिटीजंस की स्टडी करके ज्यादा बेहतर तरीके से वेलफेयर स्कीम्स प्लान करना इसका बेस्ट एग्जांपल है। जब इंडिया ने 200 करोड़ लोगों का COVID-19 वैक्सीनेशन सबसे कम टाइम में किया था, तब ऑब्वियसली डेटा की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि ऐसे ऑपरेशंस को प्लान करना और एग्जीक्यूट करना विदाउट डेटा इज इम्पॉसिबल। ऑल्सो इसी पॉइंट को फर्दर रीइंस्टेट करते हुए अश्विनी वैष्णव जी ने पार्लियामेंट में यह भी कहा कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग एंड सिटीजन सेंट्रिक यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ने तो अपने गवर्नमेंट को 16 एग्जेम्पशंस दे के रखे हैं, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने तो सिर्फ 4 ही मांगे हैं। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये सवाल उठता है कि क्या ये एग्जेम्पशंस रीजनेबल है। टू आंसर दैट, सबसे पहले तो सबको ये समझना चाहिए कि हमारे सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स, फिर चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी सरकार द्वारा इश्यूड होते हैं। सो जाहिर सी बात है सरकार के पास डेटा होगा ही, एंड दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू मी दिस होल पॉइंट कि सरकार ने अपने आप को एग्जेम्पशंस दिए हैं, इस पॉइंट के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं है। Besides, UN के अनुसार दुनिया के 194 में से 137 देशों में ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, एक ऐसा देश जिसका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पेमेंट सिस्टम अब डिजिटल एज की तरफ बढ़ रहा है, वो एक दशक से इस पर एक प्रिमिटिव सा कानून तक लागू नहीं कर पाए। एंड लकीली अभी जाकर 7 अगस्त को ही ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पहले लोकसभा में पास हुआ और फिर 9 अगस्त को इसे राज्यसभा ने भी पास किया। एंड अभी जस्ट 11 अगस्त को ही जब प्रेसिडेंट ने इसे अपना फाइनल अप्रूवल दे दिया, तब जाकर हम इंडियंस के पास भी एक ऑफिशियल डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा कानून आ पाया। सो अब फ्रेंड्स, हैविंग होलिस्टिकली अंडरस्टूड दिस बिल, क्या आपके हिसाब से इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्शियल एंगल आपको नजर आ रहा है, या फिर इसमें भी एक पॉलिटिकली चार्ज्ड एंगल है, क्योंकि अभी 2024 के इलेक्शंस तक ऐसी कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सीज चलती ही रहेगी।
इनफैक्ट आपको ये भी पता होगा, कांग्रेस लेड INDIA इंडिया एक 24 पार्टीज का स्ट्रॉन्ग कोएलिशन बन चुका है टू काउंटर बीजेपी लेड NDA's 37 पार्टी का कोएलिशन। लेकिन क्या ये मोदी जी को हरा पाएंगे या नहीं, इस बात का एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए हमने एक वीडियो बनाया यहाँ पर, जिसे आपको बिल्कुल चेक करना चाहिए ताकि आपको एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आ जाए इंडिया की एज ऑफ टूडे। एंड फ्रेंड्स, बिल को लेकर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और इसीलिए मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को जितना हो सके ये वीडियो शेयर करें ताकि इंडिया में रियल इन्फॉर्मेशन फैल सके, ना कि प्रोपोगंडा। हमारे चैनल की हमेशा से ये सोच रही है कि हम किसी भी टॉपिक को रैशनल और अनबायस तरीके से कवर करें। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले अनलिमिटेड नॉलेज के लिए ऑडिबल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड विद दैट सेड, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, keep growing. Jai Hind.